आखिर कोई तो है जो झारखंड की शांति को भंग करना चाहता है। इस सवाल का जवाब हम लगातार तलाश रहे थे। हालांकि इन साजिशों के पीछे कौन हो सकता है ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिज्ञों ने इस मामले को चुनावी मुद्दा बना दिया है, उससे यह बात साफ हो जाती है कि राजनीतिज्ञ हर जगह अपने लिए मुद्दा तलाश लेते हैं। और मानव चुनाव में भी कमोबेश ऐसा ही होता नजर आया। न सिर्फ लाशों की राजनीति की कोशिश की गई, बल्कि पाकिस्तान की एंट्री भी करा ली गई। तो आज डंके की चोट पर हम बात करेंगे, आखिर क्यों ये मुद्दा बनता है और क्यों इन्हें मुद्दा बनाया जाना चाहिए जिससे हमारे राज्य की शांति भंग होती है। तो आज डंके की चोट में इसी पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। मानव चुनाव में देव कुमार धान के समर्थन में ओवैसी की सभा थी, लेकिन एयरपोर्ट पर ओवैसी के स्वागत में जुटे समर्थकों ने पाकिस्तान के नारे लगा दिए, जिस पर बीजेपी और जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी एक और अराजक बयान दिया था। अग्निपथ के विरोध में इरफान अंसारी ने देश को खून से लथपथ करने की बात कही थी। सवाल ये कि क्या सियासत के इन जहरीले बोल से एक बार फिर झारखंड में माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और इसके बाद खास पैनल हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ इन मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट, ताकि आप खुद को कनेक्ट कर पाए, समझ पाए मुद्दा क्या है और इस मुद्दे पर चर्चा क्यों होनी चाहिए। पहले एक रिपोर्ट। क्यों बोले जा रहे हैं माहौल बिगाड़ने वाले बोल? रांची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के नारे क्यों? हिंदुस्तान के ओवैसी पाकिस्तान के नारे क्यों? क्या झारखंड का माहौल फिर बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्या फिर बिरसा की धरती को अशांत करने की साजिश चल रही है? सवाल इसलिए क्योंकि अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस के विधायक के जहरीले बोल के बाद अब रांची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के नारे लगे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में जुटे समर्थकों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप है। ओवैसी के स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार में अलगाववादियों का मनोबल बढ़ गया है। जब ओवैसी रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो आज उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और ये हेमंत सरकार के कार्यकाल में अक्सर ऐसा होता रहा है। मुखिया चुनाव का कोई नॉमिनेशन करने जा रहा है तो उसके जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जीत के जश्न मना रहे प्रत्याशियों के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। पता नहीं देशद्रोही अलगाववादी फिकर परस्तों को इस सरकार में इतना मनोबल कैसे बढ़ गया है। हम इस घटना की बहुत निंदा करते हैं और पूरा का पूरा प्रशासन जो था वो ओवैसी के आगमन के अवसर पर एयरपोर्ट पर मौजूद था, लेकिन लोगों ने नारे लगाए, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। ये साफ दिखाता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं तुष्टिकरण वाले नीति का शिकार है, जो सरकार की सोच है। वहीं ओवैसी के स्वागत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर जेएमएम ने हमला बोला। सुप्रिया भट्टाचार्य ने ओवैसी को पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वालों के खिलाफ खुद FIR दर्ज कराने की नसीहत दी है। के सामने में इस तरह की हरकत करना, ये हमको लगता है कहीं ना कहीं उन्हीं की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती है। और अच्छा होगा कि जो वतन परस्ते की बात हो, वैसे साहब बार बार कहते हैं, उन्हीं को इस मामले में शिकायत दर्ज करनी चाहिए, FIR करनी चाहिए अपने समर्थक के प्रति, ताकि लोगों के अंदर में ये मैसेज जाए कि ये देश सर्वोच्च है और पॉलिटिकल पार्टी का स्थान इस देश में लोकतंत्र को बचाने का है, न कि देश के खिलाफ कोई साजिश रचने का है। ये गंभीर मामला है, हम लोग इसका कंडेम करते हैं। कांग्रेस विधायक के जहरीले बोल, इरफान अंसारी के अराजक बोल, AIMIM ओवैसी के स्वागत में जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, इससे पहले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के जहरीले बोल सामने आए थे। अग्निपथ के खिलाफ देखिए इरफान अंसारी ने क्या कहा। देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होंगे। आज
पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था, इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा, मैं ये दावे करता हूं। इरफान के जहरीले बोल पर ओवैसी तक ने सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने पूछा कि देश में आखिर किसका खून बहाना चाहती है कांग्रेस। दो बच्चों की हत्या की गई और उनके ऊपर जिम्मेदारियां जो दी है और उनको कांग्रेस को तय करना है कि मगरमच्छ की आंख को कांग्रेस भी ना बहाए। उनके विधायक कहते हैं कि अग्निवीर में खून में लुटपुट होगा, फिर ये बच्चों की लाश से क्या करेंगे आप। ये बहुत ही डेंजरस बयान है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये देश के सड़कों को खून से लथपथ होने की बात कह रहे हैं तो ये किसके खून से लथपथ होगा? इन बेगुनाह बेरोजगार युवाओं के खून से? कांग्रेस इसी तरीके के उन्मादी और तुष्टिकरण वाले बयान देने के लिए जानी जाती है। देश में वो इस समय जो हिंसा हो रही है वो युवकों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और खून बहाने की बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ के युवाओं को खून बहाकर कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है? सियासत के जहरीले बोल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या फिर झारखंड का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? सियासत के जहरीले बोल से नफरत फैलाने की साजिश क्यों? ओवैसी के स्वागत में क्यों लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? हिंदुस्तान के ओवैसी फिर पाकिस्तान के नारे क्यों? कब रुकेंगे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के जहरीले बोल? अग्निपथ के विरोध में देश को खून से लथपथ करने की चेतावनी क्यों? न्यूज 11 भारत के लिए रांची से आयुष और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्यों बोले जा रहे हैं माहौल बिगाड़ने वाले बोल? रांची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान। तो ओवैसी आए, विवाद लाए और साथ में पाकिस्तान को भी ले आए। अगर पाकिस्तान के एंट्री मांडर उपचुनाव में क्यों, बड़ा सवाल तो यह है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से मांडर विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के दौरान ओवैसी भीड़ से कुछ कहते नजर आए, वो भी विवाद बन चुका है। और साफ तौर पर कहें तो लाश पर राजनीति करने की कोशिश ओवैसी ने कर डाली है, जो कि जिसको लेकर लगातार हर एक दल ने पिछले दिनों उसकी भर्त्सना की थी। जो चीजें हुई थी झारखंड में रांची में उसको लेकर सबने निंदा की थी, लेकिन एक बार ऐसा लग रहा है फिर से कि मुद्दा ना जाने क्यों फिर से पकड़ा जा रहा है और फिर से उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। बहाना भले चुनाव इस बार का हो, लेकिन जो भी हो, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर। देखिए रिपोर्ट आपने देखी, उसमें कई एक मुद्दे को आपने देखा होगा, चाहे वो अग्निपथ को लेकर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के जहरीले बोल की बात हो या ओवैसी के जहरीले बोल की हो या फिर उनके आने के बाद उनके समर्थ में लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की हो। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे सभी लोग। हमारे साथ प्रतुल शादे जुड़ चुके हैं बीजेपी से, हमारे साथ तनुज खत्री होंगे जेएमएम से और साथ में होंगे राजीव रंजन जी कांग्रेस से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और देखिए सीधा स्पष्ट और मुद्दा यहां पर ये कि मांडर उपचुनाव तो है, लेकिन साथ ही साथ हमने पिछले दिनों अपने राज्य को अशांत होते देखा, रांची को अशांत होते देखा, उसकी टीस अभी कम नहीं हुई है कि फिर से इस तरह के बोल बोले जाने लगे हैं। तो साजिश के पीछे कौन हो सकता है, इसी पर हम शायद चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि डिस्कशन है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी ओर जा सकता है, लेकिन फिर भी कंसेंट्रेशन हमारा रहेगा कि हम फोकस्ड है उसी पर। प्रतुल सहदेव जी, सबसे पहले तो हमने रिपोर्ट भी देखी, उसमें आपका बयान भी था और साफ था यहां पर कि आपने जो आरोप लगाया कि वो तुष्टिकरण की राजनीति शायद यहां पर हो रही है, ये आरोप लगाया आपने, लेकिन चुनावी सभा है, चुनावी सभा में तो कोई भी आ सकता है और एआईएमएम के तो देव कुमार धान वहां पर खड़े हैं, तो उनके आने को लेकर या उनके चुनावी सभा को लेकर सवाल ऐसे क्यों उठाए गए? देखिए आप अगर देखेंगे हाल का झारखंड का ट्रेंड तो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाना बहुत कॉमन हो गया है। ये जैसे किसी नेताओं का हम अभिवादन करते हैं राष्ट्रवादी दल के, भारत माता की जय और तरह तरह के जिंदाबाद लगाकर। आजकल ये तो जीतने हारने पर पाकिस्तान जिंदाबाद या किसी का अभिनंदन करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब कोई मुखिया प्रत्याशी अगर नॉमिनेशन देने जा रहा है तो उसके नॉमिनेशन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आपने अपने चैनल में भी दिखाया। और जीत का भी कोई जश्न अगर प्रत्याशी बना रहा है हजारीबाग में तो उसमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। लेकिन हद तो हो गई जब हाई सिक्योरिटी जोन होता है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, ओवैसी साहब को वाई सिक्योरिटी भी मिली हुई है और तमाम बंदोबस्ती भी थी, उनके सामने पुलिस के अधिकारियों के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है और कोई पुलिस अधिकारी इन नारा लगाने वाले देशद्रोहियों को चुप करने नहीं आता, शांत करने नहीं आता, उनकी गिरफ्तारी करने नहीं आता है। और मेरी जानकारी में अभी तक डोरंडा थाने में कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की तुष्टिकरण की नीति है वो नमाज स्थल बना दे विधानसभा में या उर्दू को
यहाँ क्षेत्रीय भाषा के लिस्ट में शामिल कर दें, अब वो यहाँ के अधिकारियों पर भी रिफ्लेक्ट करने लगा है। आप इमेजिन करें, मतलब ऐसा हो सकता था, तरुण जी से पूछ रहे थे, तरुण जी क्या ऐसा हो सकता था कि जो पुलिस है खुद इस मामले को टैकल कर सकती थी और ऐसा करने पर आप FIR या कोई भी प्राथमिकी दर्ज कर सकती थी, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो इस तरीके की कोई भी नारे को भारत के अंदर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कहीं भी, इस देश के अंदर में, राज्य के अंदर में। लेकिन चूंकि हम चर्चा में बैठे हैं, आपके दर्शक और झारखंड की जनता हमें सुन रही है, तो इसका एक व्यापक निष्कर्ष भी निकलने की जरूरत है कि इस तरीके के घटनाक्रम होते क्यों और इस तरीके के घटनाक्रम से किसे सीधा फायदा पहुंचता है। बिल्कुल, हमें लगता है कि अब ये बताने की जरूरत नहीं है देश के अंदर में कि जहां भी इस तरीके के नारे किसी के द्वारा सुनियोजित तरीके से अगर लगवाए जाते हैं तो उसका फायदा किस दल को पहुंचेगा, किस विशेष दल को पहुंचेगा, खास करके जब चुनाव का समय हो तो। और जो व्यक्ति का आगमन हुआ था वो बखूबी भारतीय जनता पार्टी को और तमाम जो जनता के वोट हैं, जो विभिन्न मापदंडों में बटे हुए हैं, उसका ध्रुवीकरण करने के लिए वो हर जगह उपस्थित होते हैं। कई राज्यों में इसका उदाहरण भी देखने को मिला है। मैं तो सीधी तौर पर यह कहूंगा कि यह पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड होता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका कार्यक्रम। और जब वैसे व्यक्ति के कार्यक्रम में इस तरीके की नारेबाजी हो तो कहीं ना कहीं नहीं, सीधे तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ होगा। क्योंकि क्योंकि अभी जैसा कि अपने वक्तव्य में कह रहे थे, हमें तो ये नारा जो आप दिखा रहे हैं इसको दोहराने में भी शर्म आती है, लेकिन इन्होंने अपने ही अपना जो जिसको अपना तथा कथित स्लोगन बोलते हैं उसके समकक्ष इसको खड़ा कर दिया। कहने का मतलब है कि भारत माता की जय के साथ इसको प्रदर्शन करने का काम किया, बताने का काम। प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे? प्रतुल जी, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, मैंने कॉन्ट्रास्ट करके दिखाया। तनु जी, मैंने आपको नहीं टोका, आपसे भी आप यही टोका। मैंने टोका भाई, ये इन्होंने एंकर ने कहा था, मैं बोल रहा हूँ। भारत भारत माता की जय हमारा नारा है जो राष्ट्रवादी दल के नेता लगाते हैं, लेकिन इस सरकार में आपके यहाँ अभिवादन का जो तरीका हो गया दूसरे दल में, इस तरीके की बात नहीं। आप भी अभिवादन का तरीका, पाकिस्तान जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने लगाया है, ये गलत बयान है, ये कांग्रेस की जनता की लड़ाई है, इस तरीके के राजीव रंजन के पास जाना चाहिए। देखिए किसने लगवाया, ये तो जांच का विषय है, किसने लगवाया ये तो जांच का विषय है, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते। प्रतुल जी, तनोज जी, हम अभी तो स्पष्ट भी नहीं ना कि वो कार्यकर्ता था AIYM का या समर्थक था या कोई बाहरी तत्व था, ये तो अभी जांच का विषय बना हुआ और जांच होगा तब जब इस मामले में या गिरफ्तारी पुलिस मौजूद थी। राजू रंजन इत्तेफाक रखते हैं, पुलिसकर्मी इत्तेफाक रखते हैं, दो पहलू आ गए यहाँ पर। राजू रंजन जी, एक तो नारे लगवाए गए उसका विरोध किया प्रतुल यादव जी ने और सभी लोगों ने निंदा की इस बात की कि आगे नारे नहीं लगने चाहिए था। तनोज खत्री ने कहा है कि ये बीजेपी का ही काम हो सकता है, इत्तेफाक रखते हैं आप इससे। मेरे दोनों पैनलिस्ट भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में बैठे हैं तो अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तब अच्छी तरीके से जवाब होगा। इस प्रकार से हम लोग आपस में ही उलझ जाते हैं ना कि मामला जो है वो दूसरे तरफ चला जाता है। देखिए पंकज जी, पूरे मामले के क्रोनोलॉजी को समझना होगा। अभी मेरे भाई विद्वान भाई जो चर्चा कर रहे थे मुखिया के प्रत्याशी के नामांकन की, तो निश्चित रूप से उसमें मुकदमा हुआ, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, धैर्य रखना चाहिए, ये भी होगा। लेकिन क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि मांडर का उपचुनाव चल रहा है और पर्दे के पीछे से किस आदमी को चुनाव में उतारा गया, किसको समर्थन में लड़ाया जा रहा है, ये मांडर की जनता और राज्य की जनता बिल्कुल खुले दिल और दिमाग से देख रही है, समझ रही है सारी बातों को, कि जो इनके उम्मीदवार थे आज AIYM के समर्थित उम्मीदवार है। हम लोग AIYM को बी टीम इसलिए कहते हैं, ये पूरे देश में चर्चा है और अब तो खुल करके बात सामने आ गई कि कल तक जो इनके उम्मीदवार थे आज AIYM के समर्थन से लड़ रहे हैं चुनाव। तो इसमें कहीं कोई कहने में गुरेज नहीं, हम तो तमाम सभाओं में खुले तौर पर मन से कह रहे हैं कि इस प्रकार से चीजों को ध्रुवीकरण करा करके, मतों में ध्रुवीकरण करा करके और लोगों को गुमराह करके किस प्रकार से वोटों का बंटवारा किया जाए, ये उसी का प्रयास है। तो क्यों नहीं माना जाए कि इस प्रकार की जो वाकया हुई है ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा ही हो सकता है। तमाम चीजों की जांच हो गई, प्रशासन पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, कानून और संविधान पर विश्वास रखिए,
सारे लोग जो देशद्रोही कार्यों में लगे हैं सबों को जेल के सिक्चों के पीछे भेजा जाएगा। आप अकेले राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र में और लोग भी राष्ट्रभक्त हैं। चलिए प्रतुल यादव जी इसका साथ जवाब देना चाह रहे हैं। प्रतुल, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ अपने विद्वान मित्र और भाई राजीव रंजन जी से कि जब 500 के लगभग पुलिसकर्मी वहां थे, कई डीएसपी स्तर के अधिकारी भी थे और ये तमाम मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा था, उस समय इनकी गिरफ्तारी मौका वारदात से क्यों नहीं हुई? क्यों आपने इन्हें नारे लगाने दिया, इन्हें रोका नहीं, इनको कस्टडी में नहीं लिया और इसके बाद इनके ऊपर एफआईआर नहीं करके जेल क्यों नहीं भेजा आपने? 500 पुलिसकर्मी साहब वहां मौजूद है, डीएसपी स्तर के 3 अधिकारी वहां उपस्थित है और आप एक एफआईआर तक अभी तक नहीं कर पाते हैं। मैं अभी दावे के साथ कह रहा हूं डिबेट में आने तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। आपको मौका वारदात से इनको खदेड़ना चाहिए था, लेकिन आप तो पुराना आपका इतिहास है ना, केरला में मुस्लिम लीग के साथ आपका अलायंस था साहब, सत्ता में रहने के लिए मुस्लिम लीग, जिसके जो मेन मुस्लिम लीग है पाकिस्तान की, उसका यहाँ पे जो ब्रांच है उसके साथ आपने सत्ता में रहने के लिए समझौता किया था। तो आप तो वैसे भी गठनकारियों तत्वों के साथ सरकार में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, जो विभाजन का समर्थन, लेकिन हम थोड़े मुद्दे से भटक रहे हैं। वैसे एक ही प्रश्न है, मौका वारदात से गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों आपने उन्हें जाने दिया? जाहिर तौर पर ये सत्ताधारी दल के समर्थक थे या ओवैसी के समर्थक थे जिन्हें इन्हें अरेस्ट करने में परेशानी हो रही थी। 500 सिपाही का सामने आपने डेपुटेशन किया, डेपुटेशन ऑर्डर देके 3 डीएसपी थे, लेकिन एक गिरफ्तारी, एक सिंगल गिरफ्तारी नहीं होती। पर ये भी तो पाकिस्तान सवाल ये भी तो यहाँ पर है कि क्या ओवैसी के AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया, उनके समर्थकों ने लगाया, या फिर पिछले दिनों जो रांची का माहौल बिगाड़ने के लिए जो असामाजिक तत्व थे, अराजक तत्व थे, वैसे किसी तत्व ने लगाया होगा? ये भी तो सवाल है। तनुज जी, तनुज जी देखिए, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि इस, क्योंकि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास ये जो उपचुनाव हो रहा है इसमें इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने पहले ही हार मान ली है, हार स्वीकार ली है इनके प्रत्याशियों ने, और जो तमाम जो इनके इनके प्रत्याशियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 प्रत्याशी इनके हैं, दोनों तरफ से यही लड़ रहे हैं, बीजेपी ही दोनों तरफ से लड़ रही है, AIMM से भी बीजेपी लड़ रही है और एक बीजेपी तो लड़ ही रही है, और तमाम जो इसके नेता हैं सबने हार स्वीकार ली है। इस तरीके से तभी इस तरीके के लोगों का पदार्पण होता है, वो भड़काऊ भाषण देते हैं और उनके साथ जो लोग आते हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए ये सब चीज साइकोलॉजिकली प्लान करके, इनके मैनेजमेंट टीम प्लान करके भेजने का काम करती है, ताकि इसका फायदा किसको का, इस पर भी चर्चा कीजिए ना। गुनाह है वो लगाना उस पर, उसको तो दोहराना उससे ज्यादा गुनाह है, उस पर तो चर्चा क्या, उस वो तो मतलब कि जितना उसकी निंदा की जाए वो कम होगी। सब कुछ होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, लेकिन इससे फायदा किसको पहुंच रहा है चुनाव के समय में, आज इंटेलेक्चुअल डिबेट की बात होती है, आज इस पर चर्चा हो करने की जरूरत है कि किसका फायदा, इन नारों से किसका फायदा, सीधी तौर पर एक दलदा जाना चाहिए बिल्कुल। अब डिबेट को इस ओर ले जाने की जरूरत है, मैं नैरेटिव नहीं सेट करने की बात नहीं कह रहा हूं, हम आपने हमें डिबेट में बुलाया है, हम डिबेट में शामिल हुए हैं, लेकिन हम कोई नैरेटिव इनकी तरह नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि इन इस तरीके के घटिया नारों से, शर्मसार करने वाले नारों से किसका फायदा, ये जवाब झारखंड की जनता। तनुज आप भी हमारे साथ बने रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक में रुकना पड़ रहा है, इसी पर चर्चा जारी रहेगी और आएंगे तो प्रतुल यादव जी इसका जवाब देंगे क्योंकि उन्होंने हाथ उठाया कि वो जवाब देंगे, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं और इसी पर चर्चा जारी रहेगी, लगातार सवाल ये हमने उठाया है और इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं डंके की चोट पर, जिसमें हम बात करें सियासत के जहरीले बोल की। जी हां, सियासत जो दान है वो किसी भी मौके को किसी भी तरीके से बदल सकते, मोल्ड कर सकते, ये बात सभी जानते हैं। जैसे पिछले दिनों जब हालात खराब थे तो ये राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अपील की और रांची को शांत कराया था, लेकिन अब कुछ राजनीतिक ऐसे भी हो गए हैं जो एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है? ठीक है कि आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, एक अदद सीट के लिए आप इस हद तक चले जाए कि बहुत सारे सवाल खड़े हो जाए और ये घूम कर पहुंच जाए कि क्या जो सामाजिक तत्व हैं ये ऐसे लोग तो नहीं थे। हमारे साथ प्रतुल यादव जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तनुज खत्री जी हैं और हमारे साथ राजू रंजन है। डिस्कशन से पहले जब हम ब्रेक में गए थे तो उस वक्त प्रतुल यादव जी ने जवाब देने के लिए तनुज खत्री जी जो बोल रहे थे उसका हाथ उठाया था, तो चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू आप करें कि जो सवाल तो जारी थी बात आपको याद ही होगा, जैसे कि उन्होंने कहा था कि ये ऐसा किया गया है बीजेपी की तरफ से क्योंकि बीजेपी को ही फायदा हो रहा है। देखिए ये बार बार ओवैसी के बारे में अफवाह फैलाई जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये किसकी बी टीम है, ये तो मांडर चुनाव में
अब शीघ्र पता चलेगा अब कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, कौन तीसरे नंबर पर रहेगा। ये कांग्रेस और MIM को आपस में अपने लड़ाई में डिस्कस करना चाहिए। देखिए, जहरीले बोल और जो खराब बोल होते हैं उसके किसी भी दल के नेता है उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। इरफान अंसारी ने एक योग शिक्षिका के कपड़ों के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, कांग्रेस ने उन्हें शोकॉज भी नहीं किया। इरफान अंसारी ने हाल में क्या कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी देश में। और किसके खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हो साहब आप? यहाँ के युवाओं की, यहाँ के बेरोजगारों की, उनके खून की नदियां की आप राजनीति की रोटी सेकने की बात कर रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? कांग्रेस ने क्या इस पर कॉग्निजेंस लिया? कांग्रेस ने क्या उन पर कोई नोटिस जारी किया? और मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहता हूं आपको कि इस सरकार में इस तरीके के पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे जहरीले बोल क्यों सुनने को मिल रहे हैं? क्यों ऐसा अलगाववादियों को लग रहा है कि सरकार में हम कुछ भी बोलेंगे हमें कुछ नहीं होगा? क्यों इनको अपना अपना सरकार वाली फीलिंग आ रही है? मैं फिर से उसी बात को दोहराता हूं जो मैं 3 बार पहले कह चुका हूं, चौथी बार पूछता हूं। 500 जब सिपाही का डिपुटेशन थाने के अधिकारी थे तो फिर मौका है वारदात से इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम लोग भी लाइव देख रहे थे टेलीविजन चैनल्स पे, वो तो फोकस करके एरिया दिखा रहे थे क्राउड का जिस एरिया से ये नारेबाजी हो रही थी। क्यों नहीं मौका है वारदात पर पकड़ा गया? बिल्कुल जाहिर है कि पूरी की पूरी दाल काली है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था, OIC और इनके आपस में बड़ी छंती है, तो ये पहले से इनका प्लान था कि इस तरीके के नारे लगेंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, इनको जाने भी दिया जाएगा। जी, सीधा सवाल अभी तक से कोई भी FIR नहीं। उन्होंने इरफान अंसारी को भी कहीं ना कहीं लपेट लिया है। देखिए, इरफान अंसारी पर उंगली उठाने से पहले इनको अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि जब तक अरब के देशों के द्वारा जो बोल नहीं बोले गए उसके पहले क्या नूपुर शर्मा जैसे प्रवक्ताओं पर जो उन्मादी बोल बोल करके, जहरीले बोल बोल करके पूरे देश का वातावरण जो विषाक्त करने का काम करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की? जब विदेश से दबाव पड़ने लगा तब ये कार्रवाई होती है। अरे पहले आप किसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा करती है। इस बात का आपको एहसास होना चाहिए कि आपके उन्हीं प्रवक्ताओं के कड़वे बोल के कारण पूरे देश में आज ये स्थिति बनी है कि आज लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान हिंदू को शक की निगाह से देखता है। वाला बयान जो था इरफान अंसारी का वो तो नूपुर शर्मा से जुड़ा हुआ नहीं है क्या जी? लेकिन खून से लथपथ वाला जो बयान नहीं, मैंने वो बयान सुना नहीं है। लेकिन अगर कोई बयान मैं सुना नहीं, बिल्कुल मैं प्रचार में था। अरे ये हर बात को इस तरह से हल्के में हंस करके ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को डिरेल करने का प्रयास, इस प्रकार से ये उन्मादी बातें करने वाले लोग हैं। अपने बाबुओं को दर्द मार करके गजब करते हैं, आप हंसी उड़ाइए साहब। मैंने आपसे पहले क्या किया? अपने दम में आप बोलना चाहिए प्रतुल जी, एक क्यों साहब आप किसी की हंसी उड़ाइएगा? आप किसी की हंसी उड़ाइएगा? आप किसी की हंसी उड़ाइएगा? मैं था, मैं प्रचार में था, मैंने नहीं सुना है। मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना है। आप हंसी उड़ाइएगा? आप बहुत ज्यादा, ये गलत बात है, मैं इसका प्रतिकार करता हूँ। आप अपनी हंसी को वापस लीजिए। सरकार से कटाक्ष करने की आदत जो है ना जी, जहरी में बोल बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कारण आज पूरे भारतवर्ष में आग लगी है। हर जगह लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये इंटरेक्शन, ये डिरेल करने का इन्होंने प्रयास किया है। ये हम नहीं चाहते कि पैनल में फिर जहरीले बोल बोले जाए और आपस में फिर जो है वो घमासान। देखिए हमें लगता है कि तनुज जहरीले राजू रंजन जी हमको राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं, जहरीले बोल बोलने वाले लोगों पर कार्रवाई, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई नूपुर शर्मा की? मिली है आज तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मिली है बताइए। सब जुडिस मैटर है, उसमें सब जुडिस मैटर है। सहदेव जी रंजन जी, हमें लगता है कि तनुज खत्री जी इसका जवाब दे ताकि आप दोनों सुने। देखिए तो मुझे लगता है तटस्थ भाव रहेगा। कौन बोल रहा है देश में? ये देश की जनता देख रही है, हर चैनल में बैठ करके हर डिबेट को डिरेल करना, यही कारण है देश में आग लगा हुआ। हम चाहते कम से कम गुजारिश आपसे कि पैनल में हमारे साथ वो जहरीले बोल तो ना बोले जाए जो जो अगल की बिल्डिंग तक आवाज। अब तनुज खत्री जी, तनुज खत्री जी, आप जिनको जिन्हें भी आमंत्रित करते हैं सभी सम्मानित लोग रहते हैं और उन्हें लोग सुनते हैं।
तो कोई भी डिबेट की गरिमा को हंस करके खिखी खिखी करके, मैंने पहले भी कहा था, पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ झारखंड की जनता के लिए कैसे आपत्ति कर सकते हैं? मुस्कुराने का विषय है क्या? बिल्कुल मुस्कुराने का विषय है। इन्होंने कहा कि मैंने देखा ही नहीं। हाँ, नहीं देखा, नहीं देखा, इसमें कोई बात कर दिया क्या? इसमें कोई बात कर दिया क्या? इसमें कोई बात कर दिया क्या? आप जबरदस्ती डिनर मत कीजिए, डिनर मत कीजिए। जहरीले बोल बोलने वाले लोगों ने पूरे देश में आग का वातावरण बना रखा, पहले उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तक नुपुर शर्मा जैसे प्रवक्ता की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। तनुज खत्री जी, देखिए, नफरत की खेती बो करके देश में बंटवारा करके राजनीतिक लाभ लेने वाले लोगों को इस प्रकार से देश की जनता पहचान चुकी है। प्रतुल शादी जी, देखिए हम यही तो चर्चा कर रहे हैं। सियासतदानों के जहरीले बोल हम नहीं चाहते कि हमारे पैनल में भी वही जहरीले बोल बोले जाए, कि एक दूसरे की मुस्कुराहट पर सवाल खड़े किए जाए। मुस्कुराइए, मुस्कुराना सभी का कर्तव्य है। मुस्कुराना और हंसी उड़ाने में अंतर होता है। बिल्कुल, मुस्कुराने और हंसी उड़ाने में अंतर होता है। मुस्कुराने और हंसी उड़ाने में अंतर होता है पंकज जी। ये नहीं चाहते हैं कि जब इन पर इनकी बातों की सच्चाई खुलने लगती है ना, तो इसी प्रकार से चिल्लाने लगते हैं। इसी तरीके से कहेंगे कि मैंने देखा ही नहीं वो क्लिप जिसमें आपको उत्तर नहीं देना है। मुझे लगता है राजू, राजू रंजन जी, कौन सी बात? कोई पाप कर दिया क्या? राजू रंजन जी, कोई पाप कर दिया क्या? तनोज खत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपने हंसी उड़ाई है, आपने हंसी उड़ाई है। हंसी उड़ाने से आप बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हो जाते? बात है नहीं, हंसी उड़ाने वाली बात है। आप जब इस प्रकार से करेंगे तो मैं हंसी आ रही तो हंस रही है ना? देश में आग लगा करके आप हंसी तो रहे हैं। 8 सालों से देश में आग लगा करके आप भारतीय जनता पार्टी वाले हंसी तो रहे हैं। देश में उन्माद का वातावरण फैला करके भाई को भाई से लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी वाले से भाषण का ही काम किया। आवाज बंद कीजिए, मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तनुज खत्री जी, आपसे हम इसी सवाल का जवाब भी देखिए। राजीव रंजन जी ने कहा, तनुज खत्री जी, कि उन्होंने जवाब बयान नहीं सुना इरफान अंसारी का, शायद आपने सुना होगा। मुझे लगता है पंकज भाई, मुझे याद आ गई, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से निकल करके आए हैं। दो नारों की मुझे याद आई, एक तो नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल है, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन जब हम छात्र राजनीति में थे, छात्र जीवन में थे, आंदोलन के जीवन में थे, तो एक और नारा था, कई नारे थे, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। तो ये सब नारे होते हैं, ये नारे क्या, फिर क्या हो जाता है? वाले प्रवक्ताओं की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुआ? देखिए हम यही डिस्कशन कर रहे हैं सर, डिस्कशन तीनों 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 से गुजार रहे हैं, डिस्कशन हम यही कर रहे हैं सर, डिस्कशन हम यही कर रहे हैं। तो हथकड़ी भी पहना सकते हैं, सर डिस्कशन, हम डिस्कशन इसी पे करें कि जहरीले बोल ना बोले और फिर हम आपस में ऐसे करेंगे। लेकिन विपक्ष से यह हक तो ना छीने। चलिए ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुकते हैं, माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है। हम चाहेंगे कि ब्रेक ले, आपस में थोड़ा सा तालमेल हो और उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिर रुक रहे हैं यहाँ पर, प्रतुल जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फिर रुक रहे हैं। चाहेंगे कि हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मुझे लगता है उस पर काफी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो झारखंड के सियासतदान है, जो झारखंड के राजनीतिक है, वो सोचे कि हाँ वाकई में हमारे जो बयान है वो ऐसे होने नहीं चाहिए। गलती से अगर हो जाता है तो कभी क्षमा भी मांग लिया करें जनता से, वो अड़े भी ना रहे किसी चीजों को लेकर। लेकिन हम बात करें, हमारे साथ प्रतुल शादेव जी भी जुड़े हुए लगातार, हमारे साथ तनुज खत्री जी हैं, हमारे साथ राजू रंजन जी हैं। देखिए तनुज खत्री जी को हम सुन रहे थे उस वक्त, और उसी वक्त डिस्कशन काफी हॉट होते चला जा रहा था, हमने लिहाजा एक ब्रेक लिया था। तनुज जी आप नारों का जिक्र करें, लेकिन सच्चाई देखिए मुझे लगता है कि शायद आप भी इस चुनावी दौड़ भाग में आपने भी शायद वो बयान ना देखा हो। ठीक है कि आपने नारों से उसको करेक्ट कर लिया किसी तरीके से, और बात सच भी है कि नारे लगते थे, ये नारे भी लगते थे एक वक्त में। जो नौकरी करने जाता है ना युवा,
तो पहले वो मैदान में पसीना बहाता है और उसके बाद खून बहाता है। आपने भाई साहब उसको ला करके कहां खड़ा कर दिया अनुबंध पर, और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने केंद्रीय नेता ने कहा है कि जो अग्निपथ करके आएगा उसको आप भाजपा के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे, भाजपा के कार्यालय में गार्ड की नौकरी देंगे। ये बिजनेस मॉडल है, सेना बिजनेस मॉडल बनाने का काम किया है। सेना की नौकरी कोई बहुत शांत बैठे हुए और इरफान अंसारी की बात हम कर रहे हैं। तो इरफान अंसारी ने जी मैं आपको बताया था राजीव रंजन जी की इरफान अंसारी ने ऐसे ही कहा था अग्निपथ स्कीम को लेकर जो लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और समझाने की कुछ सरकार और सेना की ओर से की जा रही। उस दौरान कहा था ये कि अगर ऐसे ही रहा तो सब कुछ खून से लथपथ, पूरा हिंदुस्तान खून से लथपथ हो जाएगा। ये बयान था और एक प्रॉपर चलाया था हम लोगों ने। आप चाहेंगे कि अगर मिल जाए पैरल से हमारे जो हमारे ऑफिसर बैठे लोग हैं, अगर हो तो वो चला दे अगर मिल जाए तो। लेकिन स्पीच में राजू रंजन जी ये बात सच है, ये चला था, खबर चली थी और हर जगह इसका विरोध भी हुआ था, निंदा भी हुई थी लगातार। तो इरफान अंसारी ऐसा बोलते क्यों है? क्योंकि देखिए हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जहरीले बोल क्यों, जिससे शांति भंग हो। देखिए जहां तक जहरीले बोलों का सवाल है या इस विषय को लेकर के माननीय सोनिया गांधी जी ने हॉस्पिटल में रहते हुए अपने एक चिट्ठी लिख करके उन्होंने देश के युवाओं के नाम जारी की है और इस प्रकार से अपनी बातों को रखने की आज़ादी सबको है लेकिन हिंसात्मक तरीके से कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, इसकी अपील उन्होंने की है सार्वजनिक तरीके पे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने भी इस जो घटना हुई लगातार इस प्रकार की तो उनका भी बयान आया, हम लोगों ने भी बयान दिया कि भाई नेताओं को अपने बयान पर काबू रखना चाहिए, किसी प्रकार से माहौल खराब नहीं हो इसकी पहली जिम्मेवारी हमारे नेताओं की होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। अब रही बात कि मांडर चुनाव चल रहा है, प्रतिदिन मैं प्रचार में चला जाता हूँ, मैं दो दिनों से टीवी नहीं देखा हूँ, ये सच्चाई है और मैंने उनको सुना नहीं, तो अगर इस प्रकार का कोई बयान आया होगा तो वही पार्टी के संज्ञान में आएगा, उस पर बात होगी। ये सुना नहीं तो भाई सुना नहीं तो ये कोई पाप नहीं कर दिया है मैंने तो इस प्रकार। मुझे लग रहा है कि प्रतुल साधो जी कुछ दिखाना चाह रहे, सर क्या दिखाना चाह रहे आप? देखिए मैंने इसे दिखाया जो राजीव जी नहीं चाहते थे, विद्वान भाई हैं इनको अपडेटेड रहना चाहिए। देखिए क्या बोले इरफान, देश होगा खून से लथपथ। अब तो राजीव जी मैंने आपको लाइव टीवी पे दिखा दिया, अब हम चाहेंगे माननीय विधायक इरफान अंसारी जी का बयान, वो भी अब तो प्रतिक्रिया। सहमत हूँ एक बात से कि ऐसे भड़काऊ बयान किसी को नहीं देने चाहिए, वो आंदोलन के क्रम में हो या किसी भी क्रम में हो। अब जब माननीय विधायक है तो आपको संयम करना चाहिए, लेकिन अब बताएं कांग्रेस पार्टी ने इस बयान पे क्या संज्ञान लिया और क्या कार्रवाई की? अब तो हमारे विद्वान भाई ने कांग्रेस पार्टी को देख लिया, बयान दिखा दिया। मैंने कहा कि अगर बयान आया है तो पार्टी सब चीज को देखती है। अब जवाब जवाब पार्टी, मैं प्रवक्ता है, प्रवक्ता हूँ मैं, प्रवक्ता हूँ पार्टी का, जो बोल रहे हैं वो पार्टी का वैचारिक प्रतिबिंब भी हूँ तरफ से। नहीं मैं तो क्या ऐसे बयान के बाद शोकॉज होगा इरफान पे? वो तो पार्टी नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा ना कि टीवी डिबेट में हम बैठ करके आपको यहाँ कर दे। अपमान करने का आज तक आप लोगों ने लेने में इतना देरी क्यों की? देखिए सारा कुछ साफ है, मैंने इरफान अंसारी का बयान दिखा दिया उसके बाद ये। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर पहले से देख कर बैठे थे साहब, अब देखने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे, आप जज नहीं है, लेकिन आपने जजमेंट सुना दिया और मैं उसको स्वीकार करूं। इस प्रकार से किसी पर हानि होने का प्रयास होगा, आप जवाब दें ना करें। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? नूपुर शर्मा की ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं की? अब अदालत में मामला, अदालत में मामला तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इस बात का जवाब आपको देना होगा। युवाओं का खून बहाने आपको जवाब देना होगा। देश को क्या देश में आग लगाने का ठेका ले लिया है? सैनिकों को तो ठेके पर रखने की निर्णय आपने कर लिया है, लेकिन आपने देश में आग लगाने का ठेका ले लिया है क्या? हर बात पर देश में आग लगाने के लिए आप तैयार बैठे हैं, इनकी मंशा यही है। इस प्रकार से जहरीले बोल बोल करके समाज में उन्माद फैलाए, राजनीतिक लाभ, राजनीतिक लाभ किस प्रकार से ले, इसी प्रयास में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। जब बयान दिखा दिया तो चुप हो गए, अब ये फिर तरह तरह की पार्टी कर रहे हैं।
तनोजी को जिस बयान पर आपत्ति थी राजीव जी ने बहुत ही साहस के साथ उसका जवाब दिया, लेकिन प्रतुल जी भी आज यहाँ कुछ कह के जाएं कि नुपुर शर्मा ने जो कहा, क्या इससे वो इत्तेफाक रखते हैं, उसको सही या गलत क्या मानते हैं? पार्टी ने आप क्या मानते हैं ये बताइए, आप अभी इनको पार्टी की कार्रवाई की बात कर रहे थे और इनसे जवाब मांग रहे थे, आप बताइए आप क्या, आपका क्या रहा है? गजब करे अभी इससे मांगने से जवाब, व्यक्तिगत जवाब, व्यक्तिगत जवाब बताइए क्या चाहते हैं, उसका बयान सही मानते हैं गलत? पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या जवाब? थैंक यू। देखिए 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 मैं इस पर मैं प्रश्न किया, ये करना चाहूंगा भाई, जितनी दफा वहाँ जिंदाबाद के नारे नहीं लगे होंगे उससे ज्यादा बार प्रतुल भाई ने यहाँ जिंदाबाद का नारा लगाया है। किसका नारा लगाया है वो देख रही है पूरे देश और दुनिया की जनता सुन रही है, ये नुपुर शर्मा के बयान से सकते हैं, इसलिए उसको कंटेंप्ट की बात हो रही है, हमें लगता है कि बारी बारी से हम इस पर अपना पक्ष रखें तो बेहतर होगा। हमें लगता नहीं है कि इसमें जनता कुछ सुन पा रही होगी, आप तीनों का पक्ष सुन नहीं पा रही होगी। तनुज जी का ये साफ आरोप इसमें है प्रतुल जी की, क्या कार्रवाई आपने की? तो कार्रवाई उन्होंने कर दी, लेकिन लेकिन जब पूरे विदेशों में इसकी निंदा होने लगी, लोगों ने भारतीयों के ऊपर भारतीय सामानों को रखने से इनकार कर दिया, डिपार्टमेंट ने तब जाकर के इन्होंने कार्रवाई की, वो भी क्या हो, आपने कार्रवाई कर दी, दूसरे दिन आप कर लेते, आज तक गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो रही है। भाई देखिए कौन लगा रहा है, किसी जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा है, जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा है? चैनल की बात करके किसके जिंदाबाद का नारा कौन लगा रहा है? ये राज्य की जनता देख रही है, आपने कार्रवाई नहीं की, नारा नहीं लगा, उससे ज्यादा बार आज चैनल करके प्रतुल साहब ने इस देश का जिंदाबाद का नारा लगाया है। ये तनोज जी देखिए पहचानिए, ऐसे चेहरे को पहचानिए जो पर्दा देखिए, देश में आग लगाना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए दूसरे देश का जिंदाबाद नारा लगाने से नहीं चूक रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? हम देखिए सबसे सिपाहियों को सबसे आरती उतारने रखा था, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? एकदम होगा, गिरफ्तारी भी होगी, होगा आपके कहने से नहीं होगा, साथ बिल्कुल आपके कहने से नहीं होगा, आप डिक्टेट करने की हैसियत में नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने देखा आप साझा कर रही है तमाम चीजों को, एक साझा देख रहा है, कार्रवाई भी होगी, देश विरोधी नारा कौन लगा रहा है चैनल में बैठ करके, पहले इसका जवाब दीजिए ना। वहाँ जितने बात शादेव जी 15 वर्ष तक देव कुमार धानी इनके पार्टी से, प्रतुल शादेव जी चलिए ठीक है प्रतुल शादेव जी, तनुज खत्री, राजू रंजन जी, एक 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 साझा निष्कर्ष को हम यहाँ पे जाना चाहिए, क्या ये जहरीले बोल जरूरी है? आप लोग क्या कोशिश करेंगे अपनी अपनी पार्टी में प्रवक्ता होने के नाते कैसे बोल अपना बोले और झारखंड में एक अलग आप एक अलग लेवल सेट करें? तीनों से ही बारी बारी से छोटा छोटा सवाल, चलिए प्रतुल जी वादा कर दीजिए कि जहरीले बोल नहीं बोलेंगे, या डिस्कशन में ये नारा लगाने लगते हैं राजीव बोल लगा रहा है, जितनी बार वहाँ नारा नहीं लगा उससे ज्यादा दफे चैनल में बैठ करके किस देश का जिंदाबाद का नारा कौन लगा रहा है? किस देश का जिंदाबाद का नारा कौन लगा रहा है? किस देश का जिंदाबाद का नारा कौन लगा रहा है? गौर से देखिए इस चेहरे को, इस प्रकार से देश में आग लगाने वाले चेहरे को पहचानिए, नेता है वही लोग हैं जी। एक बात यह साफ हो जाती है कि देखिए जहरीले बोल कोई चाहता नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी आती है कि शायद आप लोग बोलते हो, लेकिन हम तो नहीं चाहते कि झारखंड की राजनीति ऐसी हो कि लोग अलग अलग जो पार्टी के सपोर्टर एक दूसरे को देखना ना चाहिए, तो हम चाहेंगे और हम चाहेंगे पूरी उम्मीद करेंगे। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रतुल जी शुक्रिया, तनोज जी शुक्रिया और राजू रंजन बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि अब ऐसे जहरीले बोल कम से कम झारखंड में ना बोले जाए। चलिए ठीक है, वैसे आते बोल जाते हैं लेकिन वो वैसे हमारे यहाँ के नहीं है। इरफान अंसारी कभी कभार बोल जाते हैं लेकिन चाहेंगे कि पार्टी उनसे पूछे, लेकिन प्रवक्ता होने के नाते अपने अपने पार्टी के हम चाहेंगे कि आप तीनों ये वादा करते हुए जाए यहाँ से कि हम जहरीले बोल नहीं बोलेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए लेकिन कोई माने तब ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।